हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 3 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 3 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि विश्व एड्स दिवस ये जो है कब मनाया जाता है, तो देखिए विश्व एड्स दिवस प्रति वर्ष जो है ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले विश्व एड्स दिवस 2021 का थीम क्या रहा था, तो देखिए इसका जो थीम है ना, ये असमानताओं को जो है समाप्त करे, ये 2021 का थीम रहा था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत रत्न की शुरुआत ये जो है कब हुआ था, तो देखिए भारत रत्न की जो शुरुआत है ना, ये 2 जनवरी 1954 में देश के पहले और तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। उसके बाद बात कर ले 1954 में जब शुरुआत हुआ था तो ये कितने व्यक्तियों को दिया गया था, तो देखिए ये जो है 3 व्यक्तियों को दिया गया था। वो 3 व्यक्ति कौन कौन से थे, तो एक तो सी राजगोपालचारी को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, और सी वी रमन को दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आईपीएल 2020 में किस 4 टीम ने जो है प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई किया था, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आईपीएल 2020 ये जो है कौन सा संस्करण रहा था, तो देखिए ये जो है 13वां संस्करण रहा था। वहीं अगर 2021 का पूछ ले कौन सा संस्करण रहा था, तो ये 14वां संस्करण रहा था। और ये 13वां संस्करण कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका यूएई देश में खेला गया था। बात कर ले कौन 4 जो है टीम क्वालिफाई किया था प्ले ऑफ के लिए, तो एक तो आपका मुंबई इंडियंस किया था, सेकेंड आपका दिल्ली कैपिटल्स किया था, थर्ड सनराइजर्स हैदराबाद किया था, और चौथा जो है वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर किया था। तो ये 4 टीमों ने जो है 2020 के प्ले ऑफ में क्वालिफाई किया था। तो ये 4 टीम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले आईपीएल 2020 का विजेता कौन रहा था, तो ये मुंबई इंडियंस रहा था। उप विजेता की बात कर ले तो उप विजेता जो है ये दिल्ली कैपिटल्स रहा था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ड्यूस शब्द ये जो है किस खेल से संबंधित है, तो देखिए ये जो ड्यूस शब्द है ना, ये आपका लॉन टेनिस में भी जो है प्रयोग किया जाता है, बेसबॉल में भी प्रयोग किया जाता है, बैडमिंटन में भी किया जाता है, और वॉलीबॉल में भी जो है किया जाता है। तो देखिए इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा ना, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब स्कोर बराबर हो जाता है तो ये ड्यूस कहलाता है। तो देखिए बच्चे बता रहे थे कि इनमें ऑप्शन में जो लॉन टेनिस दिया हुआ था, तो लॉन टेनिस जो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जिसके पास कुछ भी ना हो अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताना था, तो देखिए जिसके पास कुछ भी ना हो ना अनेक शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा, तो ये अकिंचन होगा, तो अकिंचन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गाल फुलाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था, तो देखिए गाल फुलाना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना, वो रूठ जाना या गुस्सा होना होता है, तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि श्रीनगर में डल झील के ऊपर किस बैंक को जो है तैरता हुआ एटीएम बनाया गया है, तो देखिए श्रीनगर में डल झील के ऊपर जो है ये भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा तैरता हुआ एटीएम जो है वो बनाया गया है, तो भारतीय स्टेट बैंक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि खुल्लम ये जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, तो देखिए लोक नृत्य से जो आपके हर शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो देखिए ये जो खुल्लम है ना, ये आपका मिजोरम राज्य का लोक नृत्य है, तो मिजोरम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य राज्यों के लोक नृत्य के बारे में जान लीजिए, जैसे कि आंध्र प्रदेश का कौन सा है, तो कुचिपुड़ी है, घंटा मर्दाला है, ओटम है, ओटम थेडल है, वेदी नाटकम, ये सब जो आंध्र प्रदेश राज्य के हैं। असम की बात कर ले तो असम का बिहू, बिछुआ, नटपूजा, महाराष्ट्र, ये सब जो आपके असम राज्य के जो है लोक नृत्य, आप ये देख लीजिए। उसके बाद बिहार का जो आप देख सकते हैं कि जाट जाटिन, बैखो बखैन, पनवारिया, सामा चकवा, विदेशिया, ये सब जो आपके बिहार राज्य के हैं। गुजरात राज्य की बात कर ले तो गरबा, डांडिया, रास, टिपनी, जरून, भवाई, ये सब जो है कहाँ के हैं, तो भवाई जो है ये गुजरात राज्य के हैं। तो सारे का जो आप ध्यान में रख लीजिएगा, जिसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पे सारे नृत्य का मिल जाएगा, तो आपको क्या करना है कि टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सिराजुद्दौला किस शासक के बाद जो है बंगाल का नवाब बना था। तो देखिए ये जो सिराजुद्दौला था ना, ये अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद जो है ये सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। तो अलीवर्दी खान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों ने ये बताया कि पलासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था, ये पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको दोनों बता दूँ कि पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो ये 23 जून 1757 को हुआ था। और इस युद्ध के बाद बंगाल का जो नवाब था ना, ये क्लाइव ने से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था। तो मीर जाफर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2020 में किस अभिनेता ने जो है यूट्यूबर पर 500 करोड़ का जो है मानहानि का मुकदमा ठोका था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अक्षय कुमार ने जो है राशिद सिद्दीकी के नाम पर जो है 500 करोड़ का मानहानि का जो है मुकदमा ठोका था। तो अक्षय कुमार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर को किस युद्ध में जीता था। तो देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ना, जो कि 1798-99 में हुआ था, इसमें जो है मैसूर को जो है जीता था। तो आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि तिरुवनंतपुरम के सबसे कम उम्र के जो है मेयर कौन बने हैं। तो देखिए तिरुवनंतपुरम के सबसे कम उम्र यानी 21 वर्ष के उम्र में ही जो है ये आर्या राजेंद्रन देश के सबसे कम उम्र के जो है मेयर बन गई है। तो आर्या राजेंद्रन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सी नदी जो है नर्मदा के समानांतर बहती है। तो देखिए ये जो ताप्ती नदी है ना, ये नर्मदा नदी के जो समानांतर बहता है। तो ताप्ती नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। तो देखिए ये जो अस्पृश्यता का अंत है ना, ये आपका अनुच्छेद 17 में है। तो अनुच्छेद 17 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो देखिए मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रतिष्ठित किया गया है। और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, तो समानता का अधिकार यह जो आपका कौन से अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 14 से 18 में है। बात कर ले स्वतंत्रता का अधिकार, यह जो है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये जो है किस अनुच्छेद में है, तो ये आपका 23 से 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो आपका अनुच्छेद 25 से 28 में है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये जो है अनुच्छेद 29 और 30 में है। संवैधानिक उपचार का अधिकार अगर पूछ लिया जाए, तो ये आपका अनुच्छेद 32 में है। तो ये 6 जो आपके मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था क्वेश्चन, 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जो है कहाँ पर किया था। तो देखिए स्टैचू ऑफ पीस का जो अनावरण है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये जो है राजस्थान में किया गया था। तो राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पोलैंड समर ओलंपिक 2020 में भारत में जो है टोटल कितने पदक जीते थे। तो देखिए पोलैंड समर ओलंपिक 2020 में जो है भारत ने टोटल 7 पदक जीते थे, जिसमें गोल्ड मेडल 1, उसके बाद सिल्वर 2 और ब्रॉन्ज 4 मेडल जीते थे। तो 7 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 लाख की मुद्रा लोन जो है ये किसे दिया जाता है। तो देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो देखिए इस योजना की जो शुरुआत है ना, ये 8 अप्रैल 2015 को हुआ था। और तरुण को जो है ये 10 लाख का मुद्रा का जो लोन है वो दिया जाता है। तो तरुण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा हिमालय का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका ऋतुराज दिया हुआ था। तो देखिए ये जो ऋतुराज है ना, ये बसंत का जो है पर्यायवाची शब्द है। तो ऋतुराज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले हिमालय के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं, तो हिमगिरी हिमाचल, गिरिराज पर्वतराज, नगपति हिमपति, नगराज हिमाद्री नगेश, ये सब जो होते हैं आपके हिमालय के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अमर का जो विलोम शब्द पूछा गया था, तो अमर का जो विलोम शब्द होता है ना, वो मृत्य होता है। तो मृत्य आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर प्रमुख का जो है शुद्ध वर्तनी पूछा गया था, तो देखिए प्रमुख का जो शुद्ध वर्तनी होता है ना, वो यही होता है। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ORS का घोल किसके लिए दिया जाता है। तो देखिए ये जो ORS का जो घोल है ना, ये हैजा की बीमारी के लिए दिया जाता है। तो हैजा का बीमारी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि उदय का जो है विलोम शब्द बताना था, तो देखिए उदय का जो विलोम शब्द होता है ना, वो अस्त होता है। तो अस्त आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतने सारे क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इजिली इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।